सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंड टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत और आप देख रहे हो मास्टरमाइंड टेक चैनल। दोस्तों आज मैं ये नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों कार में ब्रेक का जो प्रॉब्लम आता है, ब्रेक मारने पर वाइब्रेशन होता है या साउंड आता है, वो साउंड और नॉइज़ भी कहते हैं उसे, वो किस वजह से आता है, उसका क्या कारण होता है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जेन स्टील है, इसमें जैसे ही हम ब्रेक मारते हैं तो एक अलग सी आवाज़ आ रही है और ऐसा हमें महसूस होता है कि कुछ घिस रहा है। तो दोस्तों ये फ्रंट टायर का है या रियर व्हील्स का है, ये हम आज फाइंड आउट कैसे करते हैं और वो क्या प्रॉब्लम होता है, इसका पूरा इस जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों इस गाड़ी की ट्रायल लेके देखते हैं अभी कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं ब्रेक दबाता हूँ, देखो ये देखो, ये मुझे लगता है आगे की टायर्स में आ रही है ब्रेक। ये दोस्तों ब्रेक पैड्स का प्रॉब्लम होता है, ये आगे का तो क्लियर हो गया, अभी हमें चेक करना है कि पीछे कोई प्रॉब्लम है क्या। अभी पीछे कोई प्रॉब्लम है क्या ये जानने के लिए मैं दोस्तों एक 20-30 के स्पीड पे गाड़ी लेके जाऊंगा और आगे पीछे देखूंगा कि कोई गाड़ियाँ नहीं है, और जो हैंड ब्रेक है वो मैं थोड़ा सा लगा के देखूंगा कुछ आवाज़ आता है क्या। दोस्तों हैंड ब्रेक लगाने पर कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो रियर व्हील है, पीछे के टायर व्हील्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ आगे के व्हील्स में है। तो दोस्तों अभी हम आगे के व्हील्स खोल के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। असल में मुझे तो लगता है कि ब्रेक पैड्स गए होंगे इसके, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। जब भी ब्रेक पैड जाते हैं गाड़ी के, तो ब्रेक पैड का जो मेटल वाला पार्ट होता है वो व्हील से घिसता है, इसलिए ऐसा आवाज़ आता है, सेम वैसे ही आवाज़ आता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम गाड़ी के व्हील से आगे के वो खोलेंगे और देखेंगे ब्रेक पैड से गए हैं क्या। दोस्तों अभी हमने ये पूरा टायर का व्हील जो होता है वो सब निकाल दिया है। वो निकालने के लिए दोस्तों पहले जो ये नट होते हैं ये लूज करके लेने हैं और उसके बाद हमें जैक पे लगा के पूरा व्हील निकाल देना है दोस्तों। ठीक है, अभी ये देख सकते हो आप, ये देखो ये इधर पूरी डिश घिस गई है, क्योंकि ब्रेक पैड जो है वो उसके टाइम में बदला नहीं है, जब भी गया है ब्रेक पैड उसके बाद गाड़ी चलाई गई है बहुत बार, इसलिए ये डिश घिसी हुई है। दोस्तों अभी हम इसको देखते नहीं तो ये पूरी डिश भी हमें बदलनी पड़ती है, अभी इतना तो ठीक है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमें ब्रेक पैड निकालना है। तो ये पुराने ब्रेक पैड निकालने से पहले ये जो ब्रेक का सिलेंडर होता है ये बहुत बाहर आया हुआ होता है, क्योंकि ये पहले ब्रेक पैड घिसे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये पहले हमें निकालने से पहले स्क्रू ड्राइवर से ये उसकी पूरी जीरो पे, मतलब पूरा अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि उससे हम जब नए ब्रेक पैड लगाते हैं वो लगाने में बहुत आसानी होती है। अगर ये ऐसा ही रखेंगे तो नए पैड ठीक से लगते नहीं है, जल्दी लगते नहीं है। तो दोस्तों इसे इसको हम उसको पूरा अंदर डाल देते हैं, ये देखो ये ऐसे स्क्रू ड्राइवर से धीरे धीरे जाता है अंदर, ये देखो, ये अगर अंदर नहीं जाएगा तो हमारे नए ब्रेक पैड बिटेंगे नहीं। ये देखो दोस्तों ये स्क्रू ड्राइवर से या फिर और डालना है अंदर तो ऐसे टॉमी से वगैरह अंदर, लेकिन सावधानी बरतनी है क्योंकि दूसरे के इधर कुछ जगह डैमेज ना हो इससे। ये देखो ये दोस्तों पूरा अंदर गया है, ये देखो अब हम ये ब्रेक पैड निकालने वाले हैं। ये देखो उसके लिए ये 12 नंबर का इधर बोल्ट दिया हुआ है, ये हम निकालेंगे। ये दोस्तों बहुत इजी होता है, आप खुद भी घर में कर सकते हो ब्रेक पैड बदलना, इसमें कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता बदलने में, एकदम इजी स्टेप है। और उसको इसके लिए टूल भी हमें बहुत कम लगते हैं, ज़्यादा टूल की भी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों हमें नीचे वाला भी निकालना है, अगर ये जो पाइप होता ये ज़रा लंबा होता तो एक पे ही काम चलता है हमारा, लेकिन ये पाइप थोड़ा छोटा है इसलिए हम नीचे का भी बोल्ट निकाल देते हैं। दोस्तों अभी निकल नहीं रहा है, ये इसमें थोड़ा लगा के रखना पड़ेगा, अभी निकलेगा।
ये देखो दोस्तों, और ये देखो ये सिलेंडर पूरा अंदर तक गया है, और ये पैड है, ये पैड के ऊपर पट्टी होती है। ये पट्टी किस लिए होती है दोस्तों, जब भी हमारी गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर पर या एकदम रफ रास्ते पर चलती है तो ये आपस में हिलते हैं इधर, और एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ ना आने के लिए ये होते हैं, ठीक है। ये किसी कभी भी निकल नहीं देने हैं, बहुत से सर्विस सेंटर में भी ये लगाते नहीं, अब हम नया डालेंगे तब ये लगाएंगे। दोस्तों ब्रेक पैड लाने से पहले वो पहले वाले निकालने हैं, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों में अलग अलग टाइप के ब्रेक पैड आते हैं। अभी ये ब्रेक पैड हम निकाल के मैं मार्केट से सेम ऐसे ब्रेक पैड लेके आऊँगा, क्योंकि हम स्टीलो बोल के ब्रेक पैड नहीं ला सकते, क्योंकि स्टीलो में ब्रेक पैड के दो तीन टाइप है, जो मॉडल के हिसाब से कंपनी उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क करती है। ये देखो ये इधर से पूरा घिस गया है, ये देखो दोस्तों, ये तो थोड़ा अच्छा था लेकिन ये पूरा घिस गया है। अभी हम दोनों व्हील्स के मतलब चार ब्रेक पैड लाएंगे पूरा सेट, और कैसे बदलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो बॉश कंपनी के ओरिजिनल ब्रेक पैड होते हैं वो मैं मार्केट से लेके आया हूँ। इसमें ये देखो ये चार ब्रेक पैड होते हैं दोनों व्हील्स के आगे के। तो दोस्तों ये अभी व्हील्स हम लगाने वाले हैं, और कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये व्हील्स को जो पुरानी पट्टी थी वही मैंने लगा के ले ली, क्योंकि ये पट्टी अच्छी थी, और ये मार्केट में भी मैं नया ट्राई कर रहा था लेकिन मिली नहीं मुझे। कुछ कुछ गाड़ियों की ब्रेक पैड के साथ आती है, लेकिन कुछ गाड़ियों के साथ नहीं आती, लेकिन ये पट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे डालनी है हर बार। और ये ब्रेक पैड मैं लगा के लेता हूँ, ये लगाना बहुत ही सिंपल है। देखो ये ऐसा लगा लिया, और दूसरी पट्टी ये देखो, ये ब्रेक के सिलेंडर में है, ये भी मैंने लगा के ले ली। और जो ये दूसरा अंदर का ब्रेक पैड है कि मैं ऐसे लगा के लेता हूँ, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये हमने ब्रेक का जो सिलेंडर है ये अंदर डाल दिया था, इसलिए ये अभी इजी बैठेगा, नहीं तो ये इजी नहीं बैठता। इसलिए जब भी हम ब्रेक के पुराने पैड निकालते हैं तो हमें सिलेंडर पूरा अंदर तक ले जाना है। ये देखो ये बैठ गया। अब मैं ये जो दो बोल्ट हैं वो पूरे लगा के लूँगा। ये दोस्तों पूरे टाइट करने हैं हमें, क्योंकि गाड़ी के वाइब्रेशन से ये लूज़ होके गिर ना जाए, क्योंकि ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, ये गिरने नहीं चाहिए। इसको फिर से एक बार चेक करना है पूरे टाइट है क्या। ये देखो ये टाइट किया, ये भी टाइट किया। अब देखो ये दोस्तों, ये हमारे ब्रेक पैड बैठ गए अभी, अभी इसका ब्रेक अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों कंपनी क्या कहती है, ब्रेक पैड लगाने के बाद दोस्तों 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलानी है, और गाड़ी का ब्रेक दबाना है वो 10 की स्पीड तक आने के लिए। ये हमें 10 बार करना है ब्रेक पैड लगाने के बाद। मतलब दोस्तों मैं सीधी साधी भाषा में आपको कह देता हूँ कि गाड़ी अभी हम ब्रेक पैड लगाएंगे, इस व्हील का तो लगाया, उस साइड की व्हील का भी लगाएंगे, उसके बाद जब हम गाड़ी चलाने को लेंगे तब हमें गाड़ी 50 के स्पीड में ले जानी है, और एकदम धीरे से ब्रेक प्रेस करना है, ऐसा 10 बार करना है, उसके बाद हमारे जो ब्रेक पैड है ये सेट हो जाएंगे। ऐसे कंपनी का कहना है, उनके हिसाब से हम चलेंगे, हम ये लगा लेंगे, उस साइड का भी मैं लगा लूँगा, ऐसा ही सेम प्रोसीजर है, खोलना है पूरे पुराने ब्रेक पैड को निकालने से पहले ये जो सिलेंडर है वो पूरा अंदर तक ले जाना है स्क्रू ड्राइवर से, और उसके बाद नए ब्रेक पैड लगाने हैं, और जो पट्टी होती है ब्रेक पैड की वो भी हमें लगानी है। तो दोस्तों दूसरी व्हील का तो मैं बनाऊंगा, आपको भी समझ आया होगा कि कैसे बनाए। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल है मास्टर माइंड टेक, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उसमें मैं कार से, बाइक से और बहुत से ऐसे वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको बहुत मदद हो सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।